तो साथियों, अगर आप अपने स्नैपचैट अकाउंट से बिटमोजी हिस्ट्री को फाइंड आउट करना चाहते हो, बिटमोजी हिस्ट्री आप निकालना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे बहुत आसान तरीके से अपनी बिटमोजी हिस्ट्री को निकाल सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है, तभी जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगा। अभी तक आप अपने स्नैपचैट पर कितने बिटमोजीज का इस्तेमाल किए हुए हो, आप कहां-कहां भेजे हुए हो, कहां-कहां आप इस्तेमाल किए हो, कहां-कहां आप क्रिएशन किए हो, सारी की सारी हिस्ट्री आपको यहां पर मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर बहुत प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे यहां पर हिस्ट्री निकालनी है। यहां पर आपको आपके स्नैपचैट अकाउंट पर लॉग इन हो जाना है, यहां पर आपको आपके प्रोफाइल पर टैप करना है, यहां आपको आपके सेटिंग पर आ जाना है। सेटिंग पर आने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन कर देना, सबसे नीचे आ जाना है आपको। सबसे नीचे आने के बाद यहां आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा माय डेटा का, सिंपली आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे आप माय डेटा पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने जितना भी आपका डेटा है, जो आपका डिलीटेड हो चुका है, कुछ भी हो चुका है, आप चाहो तो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से रिकवर कर सकते हो। यहाँ देखिए, अब आपको थोड़ा नीचे की ओर आना है, यहाँ आपको यूजर इन्फॉर्मेशन में दिख रहा होगा क्या आपका बिटमोजी, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है बिटमोजी। अब इस बिटमोजी हिस्ट्री को कैसे निकालना है, आपको कैसे फाइंड आउट करना है, आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो साथियों, आपको क्या करना है, जो पहला वाला ऑप्शन है जहाँ पे हमारा बिटमोजी दिया हुआ है, केवल उसी को सिलेक्ट करके रखना है और बकाया सबको आपको क्या करना है, डिसलेक्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से आप डिसलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद आप पे नेक्स्ट कर दीजिए। आप नेक्स्ट आप कर दोगे साथियों, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा क्या, कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस। यहाँ आपको आपकी ईमेल एड्रेस, जिस भी ईमेल एड्रेस पर आप अपनी हिस्ट्री को लेना चाहते हो, आपको यहाँ पे स्नैपचैट टीम जिस भी मेल आईडी पर आपकी हिस्ट्री भेजे, यहाँ आपको वो मेल आईडी सिलेक्ट कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग। आप चाहो तो आपके अकाउंट की जो मेल आईडी है वो भी हो सकती है, और आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी एक एडिट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई अल्टरनेट मेल भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अब आता है टाइम पीरियड, भाई आपको कब तक की बिटमोजी हिस्ट्री चाहिए, कितने समय तक की आपको बिटमोजी हिस्ट्री चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन बनता है क्रिएटर के लिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट वीक सेलेक्ट कर लेना है, लास्ट वीक की चाहिए आपको, लास्ट मंथ की चाहिए, यहाँ पे आपको पिछली साल की चाहिए, जितना भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन हाँ, जितना आप ज़्यादा टाइम पीरियड की हिस्ट्री को सिलेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा रिकवर करने में स्नैपचैट को टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको समझ लेना है, चीज़ों को अच्छे से जान लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे लास्ट वीक की मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ भाई, लास्ट वीक की सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दूंगा तो आपको सामने कुछ इस तरीके, जैसे मान लीजिए भाई कि मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, जैसे मैं बैक आ जाऊँगा यहाँ पे, तो आपके सामने जब आपका डेटा रिकवर होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मुझे डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, जो मुझे डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ आपको प्रोसेसिंग का ऑप्शन मिल रहा होगा, मतलब जो आप डेटा के लिए अप्लाई किए हुए हो वो प्रोसेसिंग में होगा। अब आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, कम से कम 4-5 मिनट आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे सी एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, ऐसा आपको ऑप्शन आ जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में हो सकता है कि ये फॉर्मेट सपोर्ट ना करे, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल फ़ोन में भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपने जो मेल आईडी एंटर की हुई थी उस मेल आईडी पर पहुँच जाना है। कहाँ जाना है मेरे दोस्त, आपको मेल आईडी पर आ जाना है। जैसे मान लीजिए भाई मेरी मेल आईडी कहाँ है, ये रही मेरी मेल आईडी पर मैं आ जाता हूँ। मेल आईडी पर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा तो यहाँ पर टीम स्नैपचैट का मुझे एक मैसेज आया हुआ है, यहाँ पे आपको भी आया होगा बहुत प्रॉपर तरीके से, जो मेल आईडी आपने दी होगी उसी मेल आईडी पर आएगा। यहाँ आपको डाउनलोड माय डेटा पर क्लिक कर देना है। कहाँ क्लिक करना है, डाउनलोड माय डेटा पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, जो स्नैपचैट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दे रहा है accountsnapchat.com, सिंपल तरीके से आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपसे लॉग इन होने के लिए कहेगा कि भाई आप लॉग इन होइए पहले। तो साथियों आपको परेशान नहीं होना है, आपको पहले लॉग इन हो जाना है, लॉग इन हो जाना है। जो भी आपका यूजर नेम, जो भी आपका पासवर्ड है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, और उसके बाद सीधे के सीधे आपको वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा आपका रिकवर डेटा का। आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, और अलग अलग फोल्डर में आपके बिटमोजीज का भी एक अलग फोल्डर होगा। अगर आप किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी किए होगे बिटमोजी के साथ, तो यहाँ पे आपको उसका फोल्डर अलग से मिल जाएगा, और वहाँ पे सारी की सारी हिस्ट्री आपको बता दी जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।